हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मसाला डोसा। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, आप अपने घर में इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक किचन कंटेनर के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको फ्लिपकार्ट पे लोकनाथ प्लास्टिक यूटिलिटी कंटेनर के नाम से आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट डब्बा मिलना है, जिससे हमें इस डब्बे में रखी हुई सारी चीज़ें आराम से दिखाई देंगी। इस कंटेनर को हम किचन में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें 12 डब्बे मिल जाएंगे। इसमें हम बहुत ही आराम से दाल, चना, चाय, शुगर, अचार ये सब स्टोर करके रख सकते हैं, और इसका लुक भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये कंटेनर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे खरीदिए और अपने किचन में यूज़ करिए। मुझे तो अपने किचन के लिए ये डब्बा बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस कंटेनर में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें आराम से रखी जा सकती हैं, और चीज़ें इसमें हम काफ़ी समय तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, जैसे कि दाल, चावल, चना, शुगर ये सब हम इसमें आराम से रख सकते हैं। अगर आपको ये कंटेनर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर खरीदिए और अपने किचन में ज़रूर यूज़ करिए। अब चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में 2 प्याला चावल, 1 प्याला उड़द की दाल और 1 प्याला चने की दाल ले लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच मेथी का दाना डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से 2-3 बार धुल लेंगे। हमने यहाँ पर इसे अच्छे से धुल लिया और इसे पानी में भिगा दिया है। इसे हम 6-7 घंटा सोख करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे पूरी रात सोख होने दे सकते हैं। सोख हो जाने के बाद हम इसे पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा पानी भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि डोसा बनाने के लिए इसका बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। देखिए, डोसे का बैटर हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, और इसे 4-5 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम पनीर मसाला डोसा बनाने के लिए आलू को बॉईल कर लेंगे। जब आलू बॉईल हो जाए तब हम इसे छीलकर हल्का हल्का मैश कर लेंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें हरी मिर्च, करी पत्ता और राई डाल देंगे। जब ये हल्का हल्का फ्राई होने लगे तब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन होने लगे तब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। मसाले में हमने लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इन सबको एक दूसरे में अच्छे से चला लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। और इन सबको अच्छे से चला लेंगे और कढ़ाई को लो फ्लेम पर ढक्कन से ढक देंगे। इसे हम 5 मिनट तक ढकेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो जाने के बाद हम कढ़ाई को खोल देंगे और मसाले को फिर एक बार अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। आलू को हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद हम एक बार फिर कढ़ाई को ढक्कन से ढक देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर ढका रहने देंगे। अब हम कढ़ाई के ढक्कन को खोल देंगे और इसे एक बार अच्छे से फिर चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई पनीर डाल देंगे
यहाँ पर हमने पनीर को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। इन सबको हम एक दूसरे में अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम बहुत आराम से मिलाएंगे जिससे कि पनीर टूटने ना पाए। अब हम 2 मिनट के लिए कढ़ाई को लो फ्लेम पर ढक्कन से ढककर रख देंगे ताकि पनीर भी अच्छे से पक जाए। 2 मिनट के बाद हम कढ़ाई को खोल देंगे और उसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। अब ये आलू और पनीर से बना हुआ मसाला तैयार हो चुका है। ये मसाला बनाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। डोसे का मसाला तैयार हो चुका है। चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। 4-5 घंटे अब बीत चुके हैं। ये बैटर भी फर्मेंट हो चुका है। इस बैटर को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तवा बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तब हम डोसे के बैटर को इस पे डाल देंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से फैलाएंगे। हाथों को गोल गोल चलाएंगे और इसे चारों तरफ से फैलाते जाएंगे। डोसे को फैलाते वक्त गैस का फ्लेम हाई रहेगा और इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम डोसे के ऊपर हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे और इसे डोसे के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। कुछ देर के बाद डोसा लाइट ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर डोसे का मसाला लगा देंगे और मसाले को चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहें तो कम मसाले का यूज कर सकते हैं। इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। अब ये पनीर मसाला डोसा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करिए।